हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 9 इस मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर का हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। एंड रिवीजन में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिकली एमसीक्यूज। एंड अगर ज़्यादा टाइम बचेगा तो फिर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी आज रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो आई होप आप लोग सब सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हैं एंड यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड। एंड कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। एंड जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस दिखते जाएँ एंड ऑप्शंस आपको दिखते जाएँ, फटाफट से अपना करेक्ट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और जैसे मैं सॉल्व करती जाऊँ उसके साथ साथ में आप लोग स्क्रीन देख करके उसको अपने आंसर के साथ टैली कर सकते हैं कि वेदर यू हैव रिटन द आंसर करेक्टली और नॉट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। So first question for today is, when silver nitrate is added to distilled water, the following observations can be made. Which observation is correct? Okay? तो क्वेश्चन में ये है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग ऑब्जर्व देखते हैं, उस टाइम पता चलता है, कुछ कुछ चीज़ें उस टाइम ऑब्जर्व की जाती हैं। तो उन ऑब्जर्वेशंस में से आपको सही ऑब्जर्वेशन चूज़ करना है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू राइट फोर ऑब्जर्वेशंस, फोर स्टेटमेंट्स हियर, एंड फ्रॉम द फोर ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, it turns cloudy. Second, it gives a white precipitate. Then third, there is no characteristic change in the transparency of the solution. And D, it turns blue in color. Okay, so I hope you are able to see all the options and the question properly on the screen. स्क्रीन देख करके मुझे बताइए कि इसका आंसर आप क्या बताएंगे, कि सिल्वर नाइट्रेट को जब डिस्टिल वाटर में ऐड किया जाता है तो इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे सही होगा सिल्वर नाइट्रेट और डिस्टिल्ड वाटर के मिक्सचर के लिए? क्या तुरंत सिल्वर नाइट्रेट वाटर में ऐड करने से दैट बिकम्स वेरी क्लाउडी एंड हेजी? क्या वो वाइट प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करता है? और देर इज़ नो कैरेक्टरिस्टिक इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब पहले भी पानी ट्रांसपेरेंट है और सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद भी क्या सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट ही रहेगा? एंड लास्ट वन, कि क्या सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद? थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर एंड क्विकली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
All right, so the correct option here will be option C. There is no characteristic change in the transparency of the solution. अब यहाँ पर एक सवाल है कि आप कैसे पता करेंगे कि इनमें से, मतलब कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड मिलता है तो उसको देख के आप कैसे पता करेंगे कि वो कम्प्लीटली पानी में सोल्यूबल होगा और ट्रू सोल्यूशन बनाएगा एंड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनेगा. ऐसा कैसे पता चलेगा कोई भी फॉर्मूला को देख के? तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपको कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रेट दिखता है, ठीक है, अगर आपको बाइकार्बोनेट दिखता है, ओके, सो दीज आर जनरली सॉल्यूबल. ठीक है, ज़्यादातर ये सब सॉल्यूबल होते हैं एंड मैक्सिमम केसेस में आप सल्फेट देखेंगे या फिर कार्बोनेट्स देखते हैं, तो ये सब ज़्यादातर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं या पार्शियली सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, इनसॉल्यूबल और पार्शियली सॉल्यूबल. तो ये याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक आपको शॉर्टकट बता दिया, पार्शियली सॉल्यूबल. ठीक है ना, कि नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट ज़्यादातर सॉल्यूबल होते हैं, सल्फेट एंड कार्बोनेट ज़्यादातर इनसॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, अगर सबका फॉर्मूला के हिसाब से पूछा जाए तो नाइट्रेट इज़ हैविंग दिस फॉर्मूला, NO3 माइनस आयन होता है, बाइकार्बोनेट इज़ HCO3 माइनस आयन, सल्फेट इज़ SO4 2 माइनस आयन, कार्बोनेट इज़ CO3 2 माइनस आयन. ओके, तो अगर ये सब फॉर्मूला दिखता है आपको तो ज़्यादातर ये सब कंपाउंड्स क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि इनसॉल्यूबल होंगे. ओके, इसी कॉन्सेप्ट पर अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूँ कि NaNO3, ओके, देन यू हैव NaHCO3, BaSO4 एंड CaCO3. अगर इन सब को वाटर में हम ऐड करते हैं, सब में अगर हम पानी मिलाते जाते हैं, तो सपोज इफ दिस इज फॉर्मिंग योर सोल्यूशन ए, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन है, सेकेंड सोल्यूशन है, थर्ड है और ये फोर्थ है. ठीक है, so all these solutions out of A, B and C containing these components in them, इनमें से कौन सा transparent solution होगा और कौन सा transparent solution नहीं होगा. ठीक है, so अभी जैसे मैंने आपको concept बताया उसको इस्तेमाल करके मुझे बताइए which one is a transparent solution and which is a non-transparent solution, which is not transparent at all, जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते हैं आर पार, जिसमें आप थोड़ा हेजीनेस, थोड़ा क्लाउडी अपियरेंस जिसमें दिखेगा आपको. ठीक है, सो क्विकली टेल मी आउट ऑफ ऑल द फोर विच वन इज ट्रांसपेरेंट, देर कुड बी मोर देन वन आंसर, है ना, सोचो और बताओ. तो आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा, अभी जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आई होप आपको समझ आना आ जाना चाहिए अभी तक कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे. सो इसके लिए आपको बताना है दिस हैज़ गॉट NO3, NaNO3 लिखा हुआ है तो इसमें NO3 प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स NO3 के प्रेजेंस के वजह से दिस बिकम्स ट्रांसपेरेंट, राइट. इसमें आपको बाइकार्बोनेट दिखता है, HCO3 दिखता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. इसमें आपको SO4 दिखता है, सो दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ओके, इट कुड बी ट्रांसलूसेंट और इट कुड बी ओपेक, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग CO3, सो दिस इज ऑल्सो नॉन ट्रांसपेरेंट. बट येस, देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जिसमें कि SO4 या CO3 होने पर भी वो सोल्यूबल होता है. बट दिस दैट आई हैव टोल्ड यू, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो
पूरी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई, ये एक जनरल रूल है या एक जनरल कॉन्सेप्ट है, राइट? इसके अलावा एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर पॉसिबल, तो जो इस रूल के हिसाब से नहीं भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर गोइंग टू फॉलो दिस, बट देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस जो कि ये रूल के हिसाब से नहीं होगा. ओके, सो जहाँ पर वैसा एक्सेप्शन आएगा वहाँ आपको याद करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अप्लाई दिस. चलिए, लास्ट क्वेश्चन वॉज विच क्वेश्चन नंबर? इट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट इज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. आई होप एवरी वन इज रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 विल नाउ बी ऑन योर स्क्रीन. ओके, इट इज अबाउट अलॉयज. अलॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो अलॉयज आर, यू हैव टू नाउ चूज द करेक्ट वन, करेक्ट ऑप्शन, हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स. हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स. सेकेंड इज होमोजेनस मिक्सचर of two or more solids. Okay, and third option is colloidal solutions, and fourth option is suspensions. All right, आई होप अब आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा. अलॉयज आर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस यू विल बी चूजिंग फॉर अलॉयज, दैट वेदर इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड, वेदर इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स, वेदर इट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन और वेदर इट इज़ अ सस्पेंशन. ठीक है, तो सोचो क्या बताया गया था अलॉयज के बारे में, एंड ट्राई टू रिकॉल दैट and then try and answer that in the comment section. कि alloys के बारे में हम लोगों ने क्या property पढ़ी थी, what kind of mixtures are alloys, क्या वो heterogeneous होता है, क्या वो homogeneous होता है, क्या colloidal होता है या suspension होता है, which term was used when we were studying alloys. Try to recall that and then quickly write your answer in the comment section. Okay, so the answer for this question is option B, homogeneous mixtures of two or more solids. It is a homogeneous solid mixture of two or more solids. मतलब दो या दो से ज़्यादा metals, non-metals आपस में combine करते हैं and एक fixed ratio में combine करते हैं. They are mixing together in a fixed proportion and then they are forming alloys. And since it is a kind of homogeneous mixture, इसलिए इसको होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में ही हम रखेंगे. हेट्रोजेनस नहीं होता है बिकॉज आफ्टर अलॉयज आर फॉर्म्ड द काइंड्स ऑफ सॉलिड्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉयज दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वन मेटल फ्रॉम द अदर मेटल. जैसे जब स्टील बनाया जाता है तो स्टील में कार्बन होता है, आयरन होता है, तो व्हेन कार्बन एंड आयरन आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई आफ्टर मेकिंग स्टील दैट कहाँ पर आयरन के एटम्स हैं और कहाँ पर स्टील के एटम्स हैं. ये अलग अलग से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज स्टील इज़ अ काइंड ऑफ अलॉय एंड अलॉयज आर एक्चुअली होमोजेनस इन नेचर. तो होमोजेनिटी के वजह से, होमोजेनस मिक्सचर होने के वजह से हम लोग अलॉयज में प्रेजेंट जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर होमोजेनस, उसका एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? सो इफ यू हैव रिटन द सेकेंड ऑप्शन देन इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज particles of
कोलोइड. अब आपको चूज करना है सही ऑप्शन, ठीक है. सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन. सेकेंड ऑप्शन इज डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज सेटल डाउन ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं. एंड लास्ट इज बोथ बी एंड सी. ओके, थिंक अबाउट कोलॉइड्स, व्हाट वी हैव रेड इन कोलॉइड्स, ट्राई टू रिकॉल दैट. उसको याद करिए, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कोलॉइड्स के बारे में. पार्टिकल साइज को याद करिए, क्या उसको हम फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके क्या हम पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, क्या पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड को अगर हम कुछ देर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो क्या उसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं या फिर सेटल नहीं होते हैं, उसको याद करो. एंड देन क्या पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इस्तेमाल करके क्या हम उसको सेटल करवा सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें दोबारा से याद करने की कोशिश करिए. एंड देन ट्राई एंड आंसर व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन शुड बी. क्विकली राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर क्वेश्चन 3 का. जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन पूरी तरीके से सही है. तो हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें बी भी आना चाहिए और सी भी आना चाहिए. तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड हमेशा मोशन में रहते हैं एंड इसीलिए वो कभी भी सेटल नहीं होंगे, चाहे आप उसको कितने भी देर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें आप, है ना, तो वो कभी भी सेटल नहीं होने वाले हैं. दूसरी चीज़, अगर उनको हम फोर्स अप्लाई करके या फोर्सिबली एक्सटर्नल मेथड इस्तेमाल करके अगर हम उसको सेटल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से सेपरेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. दैट इज़ रोटेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड एट अ वेरी हाई स्पीड एंड दैट कुड बी डन मैनुअली और दैट कुड बी डन यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज, राइट. सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को भी इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है. और ये जो मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड. द लाइटर पार्टिकल्स कम टू द टॉप एंड द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम. ओके, यही चीज़ पढ़ा था. आई होप रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में. चलिए, अगर आपने ऑप्शन डी लिखा था क्वेश्चन 3 के लिए देन इट वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट. अगर नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करेंगे. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट ब्राइन. सो ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन किस चीज का सॉल्यूशन होता है. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट शुगर इन वॉटर, whether it is sugar in water or whether it is honey in water number c whether it is salt in water or last option is starch in water. ओके, सो ब्राइन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है. ब्राइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन वी वर रीडिंग द चैप्टर. अभी आपको यहीं पर इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि ब्राइन जो सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूट क्या है और उसका सॉल्वेंट क्या है. क्या वो शुगर इन वाटर है,
whether it is honey in water, whether that is salt in water, or it is starch in water. Think about that. Try to recall what you have read before and answer likhiye comment section mein. Okay? आई होप अभी तक आंसर आ गया होगा. आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन थर्ड, दैट इज सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व किया जाता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड ट्रू सॉल्यूशन बनाया जाता है, एंड दैट कॉन्सेंट्रेटेड ट्रू सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन. ओके, शुगर इन वाटर, हनी इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, ये सब नहीं है. ब्राइन का मतलब ये सब नहीं होता है. ब्राइन मतलब सॉल्ट इन वाटर होता है. ओके, ठीक है. तो अगर आपने ऑप्शन सी लिखा था देन इट वॉज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. ट्रू सॉल्यूशन अपीयर्स, ट्रू सॉल्यूशन अपीयर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसलूसेंट, सेकेंड इज ओपेक, थर्ड इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट, और डी ट्रांसपेरेंट, जस्ट ट्रांसपेरेंट. ओके, ओके. सो हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ट्रू सॉल्यूशन की, कोलॉइड्स की, सस्पेंशन की, जिसमें से एक था अपीयरेंस, कि दिखाई कैसे देते हैं ये जो मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनका अपीयरेंस कैसा होता है. तीन तरीके के अपीयरेंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. या तो उसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है, या तो थोड़ा बहुत उसके थ्रू लाइट पास कर सकता है एंड आप पार्शली उसके थ्रू देख सकते हैं एंड पार्शली नहीं देख सकते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है एंड दैट डज नॉट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा ये आपको सोच करके बताना है कि क्या वो ट्रांसलूसेंट है, क्या वो ओपेक है, या पार्शली ट्रांसपेरेंट है, या कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, सोचिए एंड क्विकली टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट, आई होप अभी तक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा. सो द आंसर इज डी, दैट इज ट्रांसपेरेंट. इट इज नॉट ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट ओपेक, इट इज नॉट पार्शली ट्रांसपेरेंट, बट जस्ट ट्रांसपेरेंट. ओके, जिसके आर पार आप देख सकते हैं एंड हेजी बिल्कुल नहीं होता है एंड लाइट को अपने थ्रू पास करने देता है. राइट, ओके. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई होप आप लोग का आंसर सही होना चाहिए बिकॉज इट वॉज वेरी ईजी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. I'll just write the question. Okay, when two liquids form a colloid, then it is known as, then it is known as, I'll just give you the options. Then it is known as aerosol, simply sol, emulsion, or D is suspension. Okay, I'll just scroll it down so that you can see it properly. When two liquids form a colloid, then it is known as aerosol, sol, emulsion, or suspension. Think about the types of colloids that we had read in the chapter.
हम लोगों ने कोलोइड्स के डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम इन दोनों के स्टेट पर अलग अलग टाइप के कोलोइड्स पढ़े थे, है ना, कि कोलोइड्स अभी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं एंड दैट कैटेगराइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग फेज एंड दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम. तो जब दोनों कॉम्पोनेंट्स मतलब डिस्पर्सिंग फेज भी लिक्विड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड होगा, जब दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट्स कोलोइड में लिक्विड स्टेट में होंगे तो फिर किस तरीके का कोलोइड बनेगा, यही आपको इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि क्या वो एरोसॉल बनाएगा, क्या वो सॉल बनाएगा, क्या वो इमल्शन होगा और वेदर इट विल बी सस्पेंशन. ठीक है, ट्राई एंड रिकॉल व्हाट यू हैव रेड एंड क्विकली टेल मी योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, फटाफट से बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए. एरोसॉल, सॉल, एमल्शन, सस्पेंशन. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड राइट द आंसर. आंसर इज एमल्शन. सो एमल्शन इज द काइंड ऑफ कोलॉइड विच विल हैव डिस्पर्सिंग फेज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट एंड डिस्पर्सिंग मीडियम ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, बोथ द कॉम्पोनेंट्स आर देयर इन द लिक्विड स्टेट इन एमल्शन. ओके, सो एमल्शन इज दैट काइंड ऑफ कोलॉइड, राइट. सो अगर आपने इमल्शन लिखा है, ऑप्शन सी चूज किया है अपने कमेंट्स में, अगर आपने ऑप्शन सी लिखा है देन योर आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर बाकी सब कुछ आपने चूज किया था सॉल, एरोसॉल, सस्पेंशन, तो फिर गलत होगा क्योंकि एमसीक्यू में तो एक ही करेक्ट होता है, राइट. चलिए ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज आयरन सल्फाइड इज अ एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको चूज करना है कि आयरन सल्फाइड क्या है, क्या वो एलिमेंट है, क्या वो मिक्सचर है, क्या कंपाउंड है, या फिर क्या वो सॉल्यूशन है. ठीक है, सो सोचिए और सोचकर बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि आयरन सल्फाइड को आप किस कैटेगरी में रखेंगे. आयरन सल्फाइड के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा था ना मैग्नेटिक सेपरेशन में, देन देयर वॉज अ एक्टिविटी ऑल्सो वेयर वी हैड रेड अबाउट आयरन सल्फाइड, है ना, आयरन फिलिंग, सल्फर पाउडर, हीट करेंगे आयरन सल्फाइड बनेगा, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना, एक्टिविटी में पढ़ा था हम लोगों ने, ये सब एनसीईआरटी की एक्टिविटी में था एंड इट वॉज ऑल रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ आयरन सल्फाइड एंड मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर विथ अ मैग्नेट एंड देन हाउ डू वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स. दिस वॉज वॉट वी रेड इन दैट एक्टिविटी. तो आई होप समझ आ गया होगा यहाँ पर आपको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ सो ईजी. आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड. कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स एंड दैट कॉम्बिनेशन शुड बी अ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट. केमिकल रिएक्शन होने पर दो एलिमेंट्स के बीच जब कोई कंपाउंड, जब कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं. तो आयरन सल्फाइड एलिमेंट नहीं है क्योंकि उसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो दो अलग अलग एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन है. मिक्सचर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मिक्सचर में सिंपली चीज़ों को मिक्स किया जाता है एंड किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है. लेकिन आयरन सल्फाइड में जो दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं आयरन और सल्फर, ये दोनों को हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई है एंड दे हैव चेंज्ड देयर कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग न्यू सब्सटेंस एंड ये सब केमिकल चेंज के थ्रू हुआ है. और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं और केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर कभी नहीं होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा बिकॉज सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का ही एक टाइप है, सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है. तो इट इज़ एब्सोल्युटली अ
कंपाउंड. ओके, तो अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया था, कंपाउंड बताया था, तो यू आर करेक्ट. ओके, चलिए अभी क्वेश्चन 7 के बाद लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 विल बी नाउ ऑन योर स्क्रीन. एल्यूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्यूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, सेकेंड इज एलॉय, थर्ड यू हैव मेटल एंड लास्ट ऑप्शन हियर इज मेटलॉइड. एल्यूमिनियम किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या वो नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, क्या अलॉय का एग्जाम्पल है, क्या मेटल का एग्जाम्पल है, या फिर मेटलॉइड का एग्जाम्पल है? ठीक है, सोचिए बताइए एल्यूमिनियम किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, टू विच कैटेगरी एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू. ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी. आई होप यू नो ऑल द मेटल्स. सारे मेटल्स को एटलीस्ट पहचानना तो आना चाहिए आपको, है ना? बिकॉज हम लोगों ने अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक कंप्लीट कर लिया है, केमिकल फॉर्मूला राइटिंग तक कंप्लीट कर लिया है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स पहचानना अब तक आ जाना चाहिए. सो एल्यूमिनियम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल. सो एल्यूमिनियम इज अ काइंड ऑफ मेटल. इट्स नॉट अ मेटलॉइड, इट इज़ नॉट अ नॉन मेटल, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट अ एलॉय, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटल. ओके, सो अगर आपने मेटल चूज किया है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 इज आयोडीन वेपर्स आर फर्स्ट ब्लू, सेकेंड यू हैव वायलेट, then third you have red and the last option is white. Okay, iodine vapors ke color ko pehchanna hai. Iodine vapors ka ek specific color hota hai, characteristic color hota hai, uske color ko pehchanna hai. Hum logo ne discuss kiya tha sublimation topic mein, because we all know that solid iodine is a sublimable material, it can undergo sublimation. तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है, चैप्टर 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस हुआ था, चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया है हम लोगों ने, वेयर सब्लिमेशन इज़ यूज्ड एज अ सेपरेशन टेक्निक, देयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आयोडीन एज अ सब्लिमेबल मटेरियल एंड दैट कैन अंडरगो सब्लिमेशन. एंड वहाँ पर हम लोगों ने आयोडीन के वेपर के कलर को भी ऑब्जर्व किया था. एक डायग्राम था जहाँ पर हम लोगों ने आयोडीन के वेपर्स के बारे में देखा था कि उसका कलर क्या होता है. तो इफ़ यू रिकॉल दैट पोर्शन देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस, है ना? कलर याद करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए आपको. सो यहाँ पर जो आंसर है, दैट इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर आयोडीन वेपर कलर, दैट इज़ वायलेट. ओके, सो द कलर ऑफ आयोडीन वेपर्स आर वायलेट. इट्स नॉट ब्लू, इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट वाइट, बट वायलेट. तो अगर आपने सेकेंड ऑप्शन वायलेट चूज किया है, इट इज़ करेक्ट आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं है. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू एंड क्विकली ट्राई टू टेल मी द आंसर. ओके, सो द नेक्स्ट आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैप्थलीन एंड iron fillings can be separated by first option sublimation, second option magnetic separation, third option
distillation, and last option both A and B. Okay, sublimation, magnetic separation, distillation, both A and B. Naphthalene and iron fillings, नैप्थलीन एंड आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर कैसे सेपरेट हो सकता है? क्या हम उसको सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं, या मैग्नेटिक सेपरेशन से, या डिस्टिलेशन से, या आप दोनों ऑप्शंस चूज करेंगे बोथ ए एंड बी? थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन एज वेल एज ऑफ आयरन फिलिंग. दोनों के प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिए, एंड सोचिए कि दोनों में से कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होने पर, कौन सा सेपरेशन टेक्निक यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. ओके, सो थिंक अबाउट दैट एंड क्विकली टेल मी द आंसर. सो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए, एंड समझ आ गया तो डेफिनेटली राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. डू नॉट हेजिटेट, प्लीज राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. यहाँ पर पहली बात, नैप्थलीन जो है, नैप्थलीन सब्लिमेशन कर सकता है, ठीक है, इट कैन डू सब्लिमेशन. बट अगर आयरन फिलिंग का बात करेंगे तो यहाँ पर कोई सब्लिमेशन नहीं होता है, ठीक है. तो एक सब्लिमेशन कर सकता है, दूसरा सब्लिमेशन नहीं कर सकता है. दैट मीन्स कि इसको हम सब्लिमेशन से तो डेफिनेटली सेपरेट कर सकते हैं. नैप्थलीन सब्लिमेशन कर पाएगा, आयरन फिलिंग नहीं कर पाएगा. तो जो सब्लिमेशन कर पाएगा वो सब्लिमेशन करके जो कॉनिकल फ्लास्क हम लोग लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जैसे चाइना डिश पर हम लोगों ने इसको प्लेस किया मिक्सचर को, और उसके ऊपर हम लोग फनल प्लेस करेंगे, तो फनल में नैप्थलीन इज गोइंग टू स्टिक टू दैट एंड आयरन फिलिंग्स इज गोइंग टू रिमेन एज द रेसिड्यू. तो सब्लिमेशन अप्लाई करने के लिए यही कंडीशन था कि एक को सब्लिमेशन करना पड़ेगा, दूसरा सब्लिमेशन नहीं कर सकता है. तो ये तो आपका कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है. दूसरी चीज़, नैप्थलीन कैन नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. ओके, सो कैन नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है नैप्थलीन में, तो इसलिए मैग्नेट से वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता है. लेकिन आयरन फिलिंग has magnetic properties and it can get attracted by a magnet, so it has got magnetic properties. तो magnetic separation apply करने के लिए आपका यही condition है कि जो भी components होंगे उसमें से कोई एक ही का होना चाहिए magnetic property और बाकी सब non-magnetic होने चाहिए. तो यहाँ naphthalene non-magnetic है, iron filling magnetic है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी अप्लाई हो जाएगा. तो सब्लिमेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. एंड दोनों एक्चुअली लिक्विड्स होने चाहिए, मिसिबल लिक्विड्स होना चाहिए. तो मिसिबल लिक्विड्स के बारे में भी यहाँ कुछ भी नहीं है. नैप्थलीन भी सॉलिड होता है, आयरन फिलिंग भी सॉलिड होता है, तो डिस्टिलेशन तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा. तो इसीलिए ए और बी दोनों करेक्ट जा रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर जो मेरा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. ओके, सो बोथ ए एंड बी, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के सारे रिविजन से आपको ये समझ आ गया होगा कि इन विच ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर यू हैव टू प्रिपेयर मोर एंड यू हैव टू फोकस मोर. आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चंस का जवाब देकर कि कहाँ पर आपका प्रिपरेशन थोड़ा कमज़ोर है और कहाँ पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है. तो उस हिसाब से आप अपना और थोड़ा टाइम दीजिए एंड चैप्टर्स को और बेटर तरीके से प्रिपेयर करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है. सो विल ऑल्सो कंटिन्यू विद द रिविजन टुमारो. देखते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिवाइज कर सकते हैं या फिर वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. लेट अस सी एंड विल जस्ट हैव रिविजन क्लासेस नाउ. ओके, एंड आप लोग बस पढ़िए एंड ट्राई एंड आंसर योर doubts and your own answers regarding the questions in the comment section. अगर किसी question में कभी कोई doubt आ जाता है तो उसको ज़रूर से definitely आप comment section में लिखें and do not hesitate in asking. Please write that and जैसा होगा I'll try and explain that to you. ठीक है, so thank you children.
for attending today's class. We are going to meet tomorrow at the same time and we are going to continue with revision. Okay, thank you.